चंडीगढ़ को स्वच्छता रैंकिंग में पहले नंबर पर लाने के लिए नगर निगम ने पूरी ताकत झोंक दी है। युवा शक्ति के साथ जोड़कर निगम ने स्वच्छ अमृत महोत्सव की शुरुआत की। ये आज 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसकी शुरुआत आज एक जागरूकता रैली के साथ हुई। इस कार्यक्रम में चंडीगढ़ की मेयर सरबजीत कौर ने शिरकत की और साथ ही साथ नगर निगम की कमिश्नर नंदिता मित्रा भी मौजूद रही। आपको बता दें, यह पखवाड़ा आज सेवा दिवस के रूप में शुरू होकर 2 अक्टूबर स्वच्छता दिवस तक चलेगा। इस पखवाड़े के दौरान स्वच्छता को लेकर कई प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम होंगे। इसी कड़ी में आज शहर में स्वच्छता अभियान को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं सेक्टर 16 स्थित रोज गार्डन में व्यापक स्तर पर एक इवेंट भी करवाया गया, जिसमें निगम कर्मचारियों समेत स्टूडेंट्स, एनजीओ आदि से जुड़े लोगों ने चंडीगढ़ का ह्यूमन लोगो तैयार किया। इस दौरान चार तरह के कूड़े को रिप्रेजेंट करते हुए रंगों वाले कपड़े पहनकर प्रतिभागियों ने शहरवासियों को कूड़ा सेग्रीगेट करने के लिए प्रेरित किया। इसमें सूखा, गीला, सैनिटरी और खतरनाक कूड़ा शामिल है। हर दिन 4 डस्टबिन नाम से निगम ने जागरूकता मुहिम भी शुरू की है। निगम ने इससे पहले भी शहरवासियों को इन 4 कूड़ों के लिए 4 अलग से बाल्टियां रखने को कहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत कचरे को सेग्रीगेशन करना अनिवार्य है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान चंडीगढ़ की मेयर सरबजीत कौर ने बताया कि शहर में निगम स्वच्छता को लेकर अपना 50% काम कर रहा है, लेकिन बाकी का 50% काम शहरवासियों को करना है। इसमें यूथ का बहुत ज्यादा महत्व है। मेयर ने कहा कि हाल ही में वो इंदौर दौरे पर थी और शहर के सफाई में नंबर 1 रहने के पीछे लोगों का बड़ा योगदान है। ऐसे में लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सबसे पहले तो मैं आज श्री नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो पूरे भारत में अभियान चलाया स्वच्छ भारत का, जो सपना है, और वो हम सभी नागरिक आपस में पूरा करेंगे। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शुरुआत की है। वैसे जैसे मैंने कहा कि कॉरपोरेशन अपनी तरफ से काम कर रही है 50%, पर 50% हमें जब तक लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, हम नंबर 1 पे नहीं आ सकते। और आज हमने यही, और यूथ जो हमारा है कि वो यूथ है कि जो सबको लेके आगे चलता है, और यूथ ही जो है कि हमारा कल का फ्यूचर, अगर वो हमारे साथ जुड़ा है तो हम अपने शहर को नंबर 1 लेके आ सकते हैं। तो इसमें आज हमने यही दिखाया है कि जो 4 तरह का कूड़ा है, हरा, नीला, लाल, काला, कि हमें किस तरह से हमें सेग्रीगेशन करके देना है। और उसमें तभी हम कामयाब होंगे अगर हम चंडीगढ़ का हर एक नागरिक, चाहे सफाई कर्मचारी है, चाहे कोई भी है, वो हमारा साथ देगा। और सबसे ज़्यादा थैंक्स मैं करूँगी आनंदिता मित्रा मैडम का, क्योंकि मतलब जिस तरह से जब से ये आई हैं और मेहनत से काम कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि हम वाकई, और अगर ये सब लोग हमारा साथ देंगे, तो हम अपने शहर को नंबर 1 पे ला सकते हैं। वहीं इस दौरान निगम कमिश्नर ने बताया कि स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत 15 दिनों में स्वच्छता को लेकर कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होंगे। कुछ कार्यक्रमों में शहरवासियों के लिए जागरूकता वाले कार्यक्रम आयोजित हैं। हमने कई सारे मार्केट एरियाज में, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लास्टिक कहाँ मिलता है, मार्केट में और सब्जी मंडी में, और तो कहीं नहीं मिलता है। सारे मार्केट धीरे धीरे हमारे साथ मिलके, मैं आपको सेक्टर 19 के मार्केट की एक बात बताने वाली हूँ। वो कहते हैं कि हमने लकी ड्रॉ निकालना शुरू किया कि जो शॉपिंग बैग लेके आएगा उस बंदे को हम हर हफ्ते का एक गिफ्ट देंगे। इस बार आपको पता है, लोग दिवाली पे गिफ्ट देते होते हैं, मार्केट वाले गिफ्ट देते होते हैं, इस बार उन्होंने अपने गिफ्ट को कन्वर्ट कर दिया स्वच्छता के लिए कि जो शॉपिंग बैग लेके आएगा उसको हम एक मोटरसाइकिल देंगे। तो इस तरह से मार्केट वाले भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 27 तारीख को या 28 तारीख को हम सब्जी मंडी में अपना कार्यक्रम करने वाले हैं, जिसमें कि हमने रद्दी से प्रगति, हमारी एक एनजीओ ने सारे लोगों से न्यूज़पेपर लेके उन्होंने बैग्स बनाए हैं, और वो सारे सब्जी वालों को वो बैग दे रहे हैं कि आप ये ऐसा नहीं है कि हम रोज की बैग उनको दे सकते हैं, पर ये सिर्फ एक समझाने का तरीका है कि आप पॉलिथीन की जगह ये चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पेपर बैग इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नॉर्मल, सबसे बढ़िया चीज़, जिस दिन हमारे चंडीगढ़ का सिटीजन शॉपिंग के समय में अपना बैग लेके आना शुरू करेगा, उस दिन से सब्जी मंडी मार्केट में पॉलिथीन बैग देने की जरूरत ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।
आपको बता दें, देश भर में शुरू किए गए इंडियन स्वच्छता लीग के तहत चंडीगढ़ की टीम चंडीगढ़ चैंपियन भी शहरवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही है। देश के 1850 शहर इसमें भाग ले रहे हैं। गार्बेज फ्री सिटी के मूल मंत्र के साथ शुरू हो रही इस लीग के अंत में स्वच्छ शहरों के नाम घोषित किए जाएंगे। इस प्रतिस्पर्धा में जन आंदोलन के जरिए लोगों को जोड़कर स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।